क्लास 12th फिजिक्स लेसन 5 आपका चल रहा था, चौथी उसकी वीडियो है। तीन वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है आपका चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसको बहुत ही प्यार से समझेंगे। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दो तीन बातें यहाँ पता होनी चाहिए कि जब कोई आवेश होता है ना, आवेश ये जो आवेश है आपका यदि रखा हुआ है तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र। और यदि ये गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बात तो हमें पता है पहले ही। यदि कोई आवेश ये स्थिर है तो ये क्या करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि ये गति करने लगे, ये आवेश आपका गति करने लगे तो क्या, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ में ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्लियर है। और ये भी बात है कि ये केवल ये जब गति करने की भी दो कंडीशन है कि इसका वेग कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट नहीं है। यदि ये कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि ये कांस्टेंट वेग से गति नहीं कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। ये बातें हमने पहले अध्याय में बता दी है, पहले चैप्टर में बता दी थी, ठीक है, इससे पहले वाले में। तो अब बात करते हैं इससे आगे की। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज पता है कि जब कोई आवेश गति करता है तो वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये पता है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये इस पर काम आने वाली बातें हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें एक बात पता चल गई कि जब कोई आवेश गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार देखिएगा, आप जानते हो कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा प्रत्येक पदार्थ की, तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से, किससे, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर उनको परमाणु कहते हैं, नहीं परमाणु यहां पर बोलिए सूक्ष्म कणों, अति सूक्ष्म को मारा बोलिए, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु बहुत सारे और छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि अति सूक्ष्म बोले तो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गई बात, यानी कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं, और अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बात समझ लें, नीचे से चलना ऊपर, मतलब ये मत सोचना, एक बच्चा कह रहा था सर आप, मैंने ऐसा बोला है कि परमाणु आपस में जुड़ते हैं अणु बनाते हैं, अणु आपस में जुड़ते हैं तो पदार्थ बनाते हैं। क्लियर है। तो प्रत्येक पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत, ठीक है, विभिन्न सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर एक क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे होते हैं। लो पूरा स्ट्रक्चर ये परमाणु मॉडल खत्म हो गया। क्लियर है, यही है इसकी थ्योरी। देखिएगा, प्रत्येक पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं, और अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा होता है, अब इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण होता है, इसीलिए, और ये ऋण आवेशित कण है, और ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और अभी हमने बताई थी कोई आवेश यदि गति करता है तो वो क्या करता है, आवेश यदि गति में है तो वैद्युत क्षेत्र और आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अभी बताई थी तुरंत कि जब कोई आवेश गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, और ये गति कर रहा है तो ये भी अपने आप में चुंबकत्व उत्पन्न करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके घूमने की गति को क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और यह गति कर रहा है, तो गति करने के कारण ये कक्षीय यानी अपनी कक्षा में गति कर रहा है, तो उसको तो बोलेंगे कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है जिसे हम कक्षीय गति कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है, यानी कि धुरी पर यानी ऐसे करके, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाते सूर्य के ऐसे करके लगा रही है बिल्कुल, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, यानी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके ये घूम रहा है, ध्यान समझ लें ऐसे ऐसे की तो अपनी धुरी पर घूम रहा है और मैं ऐसे ऐसे करके नहीं घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ, समझ में आई बात नहीं आई, यानी कि देखो ये घूम रहा है और ऐसे ऐसे करके नहीं मैं घुमा रहा हूँ, क्लियर है, तो मतलब क्या है ये घूमते हुए घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी धुरी पर इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है उसको हम बोलते हैं चक्रण गति। क्लियर हो गए सारे टॉपिक बस, तो और ये जो चुंबकत्व है घूमने के कारण गति करने के कारण उत्पन्न होता है, तो एक चक्कर ये लगाने में ये कितने चक्कर लगा लेगा अपनी धुरी पर, बहुत ज्यादा, तो चुंबकीय आघूर्ण कहाँ से ज्यादा उत्पन्न होता है, चक्रण गति से, यानी कि चुंबकत्व इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकत्व है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण भी बोल सकते हो आप इसको, किस गति से ज्यादा अधिकतम अधिक चक्रण गति से उत्पन्न होता है, क्लियर होगी बात, तो मतलब ये हो गया आप ओवरऑल ये समझे इस वाली थ्योरी में, परमाणु मॉडल में क्या होता है कि एक परमाणु, प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम अणु कहते हैं, अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है जिनको हम नाभिक, जो अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम परमाणु कहते हैं, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है या परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है जिसे हम कक्षीय गति कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है उसे हम इलेक्ट्रॉन की धुरी पर घूमने को इलेक्ट्रॉन के अपनी धुरी पर घूमना उसकी चक्रण गति कहलाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है उसे हम उसकी इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है उसे हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहते हैं, ये क्लियर है थ्योरी में लिखा हुआ मस्त तरीके से, दोनों चीज समझ में आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और ऋणावेशित कण और घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और यह गति कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति के कारण कम होता है जबकि चक्रण गति के कारण अधिक होता है, क्योंकि कक्षीय गति का एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन चक्रण गति में काफी चक्कर यानी बहुत चक्कर पूरे कर चुका होता है, क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर हुई, यानी कि ये कितनी सिंपल सी थ्योरी है, यानी कि ये है कि ये देखिएगा ये मतलब ये चक्कर लगाएगा यहाँ तक तब कुछ चुंबकत्व उत्पन्न होगा, और इतने चक्कर तो ये यानी घूमेगा तो वो जल्दी घूम जाएगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ये तेज घूमेगा इसकी गति यहाँ पर तेज होगी ये कम होगी, तो जहाँ पर गति ज़्यादा होगी वहीं पर चुंबकत्व ज़्यादा होगा, जहाँ पर गति कम होगी वहाँ पर चुंबकत्व कम होता है, क्लियर है बात, तो ये आपका परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल में ओवरऑल ये दो बातें निकल के आती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है घूमता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है, और घूमते हुए चुंबकत्व उत्पन्न करता है, और चुंबकत्व चक्रण गति से ज़्यादा उत्पन्न करता है और कक्षीय गति से कम उत्पन्न करता है, ये है इस टॉपिक का पूरे का मेन मुद्दा। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जय।